हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जर्नी एक्सप्रेस। मैं राजावर्धन, मेरे साथी देवाशीष दास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं। खुशखबरी क्या है कि हमने इस महीने अपना 100वां सब्सक्रिप्शन पूरा कर लिया है। आपके इस प्यार का हार्दिक स्वागत करते हैं, और इसी तरह आप अपना प्यार हम पे लुटाए जाइए और हमें सपोर्ट करते जाइए, और इसके बदले में हम आपको नई नई जगहों के बारे में, नए नए विषयों के बारे में आपको अवगत कराते जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे कुछ ऐसे विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अपने आप में एक उत्तम, अपने आप में एक उत्कृष्ट नमूना है सांस्कृतिक धरोहर। तो आपको इस सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा। तो बने रहिए अंत तक और जानिए कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वर्णन उस सांस्कृतिक धरोहर जो कहीं ना कहीं आज भी हमें कुछ ना कुछ विषयों को सोचने पे मजबूर कर देती है। दोस्तों, कभी ख्याल आया है कि सांस्कृतिक धरोहर होती क्या है? सांस्कृतिक धरोहर किसी भी देश की गौरवशाली व समृद्ध अतीत की प्रमाण होती है, जिसकी नींव पर सुनहरे भविष्य की कल्पना साकार होती है। हमारे धरोहरों को भावी पीढ़ी के लिए सहेजना हर नागरिक का ये मूल कर्तव्य होता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें जो कलाकृतियां, जो नमूने, जो शिल्पकारिता प्रदान की हुई है, वो हमारा दायित्व बनता है कि उसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखें, ताकि जिस शिल्पकारी को हम आज दुनिया के सामने अपनी महान कलाकृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वही कलाकृति आने वाली फ्यूचर जनरेशन एक ही समक्ष रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बातें करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, वैसी ही सांस्कृतिक धरोहर आपने बहुत सारी देखी होंगी, जैसे ताजमहल, आगरा के किले, अजंता के गुफाएं, ग्वालियर के फोर्ट वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं जिस धरोहर के विषय में आपसे बातें करूँगा, वह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित चंडेल वंशों द्वारा तैयार खजुराहो के मंदिरों के विषय में है। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि खजुराहो को हमने आज के विषय में क्यों चुना? खजुराहो का विषय एक ऐसा विषय है जो सबको लुभाएगा। ये जो यूनिक प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया विषय है। हमारे जो विद्यार्थी बंधु हैं, भाई बंधु जो हैं, जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और जिनको इतिहास पे रुचि है, उन्हें हमें लगता है खजुराहो के मंदिर के विषय में और अधिक जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए ना? आज के दौर पे अगर आप दक्षिण के मंदिरों में जाओ और भारत के अन्य प्रांतों के मंदिरों को विजिट करो, तो आप पाओगे कि खजुराहो के मंदिर अन्य दूसरे मंदिरों से काफी अलग हैं। दूसरे, यहाँ पे जो स्कल्पचर कलाकृतियां उभरी गई हैं, वो
कलाकृतियां आपको भारत के किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आपको पता है ताजमहल के बाद अगर कोई मंदिर भारतवर्ष में विदेशियों और भारतीयों द्वारा सबसे ज्यादा विजिट किया जाता हो वो है खजुराहो के मंदिर। भारत सरकार ने इसे प्रमोट करने के लिए काफी कुछ किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये भारतवर्ष में ताज के बाद सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मंदिर है। आपको पता है दोस्तों, ये इंडो आर्यन आर्किटेक्चर का एक सबसे बेहतरीन नमूना है, जिसे 950 एडी से 1050 एडी के बीच चंडेल वंश के राजाओं ने अपने अपने समय में तैयार करवाया था। आप अगर खजुराहो के मंदिरों में प्रवेश करते हो तो वहां के मंदिर तीन हिस्सों में विभाजित है, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप, साउथर्न ग्रुप। वेस्टर्न ग्रुप में 10 मंदिर हैं, ईस्टर्न ग्रुप में 4 और साउथर्न ग्रुप में 6। वेस्टर्न ग्रुप में लक्ष्मण टेम्पल, खंडारिया महादेव टेम्पल, मतंगेश्वर टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल, जगदम्बा टेम्पल, बराह टेम्पल, लक्ष्मी टेम्पल, पार्वती टेम्पल और 64 योगिनी टेम्पल है। उसी प्रकार ईस्टर्न ग्रुप में पारसनाथ टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल, गुंटाय टेम्पल, शांतिनाथ टेम्पल है। उसी प्रकार साउथर्न ग्रुप में जावेरी टेम्पल, बामन टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल, हनुमान टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल और दुलादेव टेम्पलों का सहायक स्थान है। खजुराहो के मंदिरों में हमें तीन धर्मों के कुछ कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, जैसे आप अभी तस्वीरों में देख रहे हो। यहाँ पे बौद्ध मूर्ति, यहाँ पे हिंदू के मूर्ति और जैन धर्म की मूर्तियां बनी हुई हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के काल में मध्य भारत में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी काफी प्रचार प्रसार हुआ था, जिसका उदाहरण ये मंदिर प्रस्तुत करती है। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी मिल चुका है, जिसका सर्टिफिकेशन नंबर 241-3 है, जिसे संयुक्त रूप से यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर मिलकर प्रदान करती है। खजुराहो के मंदिरों को भारत सरकार की संस्था ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रखरखाव किया जाता है। ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि खुदाई के वक्त यहाँ पे 85 मंदिरें मिली थी, लेकिन फिलहाल 22 ऐसे मंदिरें हैं जिनका रखरखाव अभी ASI कर रही है। अभी जो तस्वीर आपके सामने उभर कर आई है, इन तस्वीरों में आप क्या देख पा रहे हो? आप देख रहे हो कि मंदिरों के दीवारों के ऊपर नारी और पुरुष की कुछ ऐसी कलाकृतियां या ऐसे दृश्य को उभारा गया है जो हमारे समाज में इसे दूसरे नजरिए से देखा जाता है। हमें नहीं लगता कि उस समय के शासकों ने मंदिरों के दीवारों में इस प्रकार की कलाकृतियां को उभारने का क्या प्रयोजन बोध किया, और जब उन्होंने इस प्रकार की कलाकृतियों को मंदिरों के दीवारों में उभारा तो उस समय वहां के निवासियों ने शायद ही इसका विरोध किया था, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की परंपरा के विरुद्ध है, और यही मूल कारण भी है इसके कंट्रोवर्शियल इशू होने का, जिसे इसे
दूसरे अन्य मंदिरों से यूनिक बनाती है, क्योंकि आप भारत के अन्य किसी मंदिरों में भी इस प्रकार के स्कल्पचर या इस प्रकार की कलाकृतियों को नहीं देख पाओगे। हमने वहां के स्थानीय निवासियों से भी जानने की चेष्टा की कि आखिरकार क्या प्रयोजन उस समय के शासकों के मन में ये आया कि उन्होंने दीवारों के ऊपर इस प्रकार की कलाकृतियों को उभारा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर हमें नहीं मिल पाया। तो हम इस विषय में आपको ज्यादा कुछ अवगत नहीं करा पाएंगे। अगर भविष्य में इसके ऊपर कुछ भी इतिहासकार ढूंढ पाते हैं तो हम अवश्य इसको आपके साथ साझा करेंगे। मित्रों, ये तस्वीर में आप एक शब्द के ऊपर गौर करें जिसमें लिखा है लिमिटेशन। हमने इस शब्द का प्रयोग बड़े उचित तरीके से किया है। क्यों? क्योंकि हमने जब खजुराहो के मंदिरों का दौरा किया तो हमने पाया कि खजुराहो के मंदिर अपने आप में एक पूरी गाथा को कहते हैं, जो गाथा एक बार में शायद सुनना सबके बस की बात नहीं। तो हमने जितना भी खजुराहो के मंदिरों को जाना, पहचाना, परखा, हमने सब कुछ आपके साथ साझा किया। लेकिन हमें लगता है कि शायद हमने खजुराहो के मंदिरों को कुछ हद तक अभी भी समझा नहीं। तो उसी समझ को समझने के लिए हम दोबारा खजुराहो के विषय को लेके आपके सामने आएंगे। अगर हमें लगा कि हम आपको कुछ अधिक जानकारी इसके विषय में दे पाए तो अवश्य हम आपसे वो कुछ साझा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा। सिर्फ लाइक मत कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना जरूर मत भूलिएगा। और सामने एक बेल आइकन बटन है, वो अगर दबाइएगा तो सारा कुछ नोटिफिकेशन आपके पास यथासमय पहुंच जाएगा। सो दोस्तों, हमारे साथ रहिए, हमें प्यार दीजिए और नए वीडियो के इंतजार में रहिए। थैंक यू।